दोस्तों, आज जिस वॉकमैन का मैं रिव्यू करने वाला हूँ वो है सोनी का बहुत ही पॉपुलर मॉडल वॉकमैन। ये इंडिया में बहुत से लोगों के पास होगा अभी भी। और इसकी खासियत ये है दोस्तों कि इसमें इनबिल्ट स्पीकर तो है ही, इसके अलावा रिकॉर्डिंग भी है। और अगर आपको किसी कैसेट में बाहर का गाना रिकॉर्ड करना है तो भी इसमें माइक का जैक दिया हुआ है। ये देखिए, यहाँ पे माइक का स्लॉट दिया हुआ है, ये ईयरफोन का स्लॉट है, तो इसमें डाल के आप एक्सटर्नल माइक से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। इनबिल्ट माइक से तो रिकॉर्डिंग होती ही है। और अगर आपको मोबाइल से किसी कैसेट में गाना को रिकॉर्ड करना है तो वो भी आप ऑक्स केबल के मदद से मोबाइल, एक सिरा मोबाइल पे और दूसरा एंड इस पे कनेक्ट करके कर सकते हैं। तो एक ओवरव्यू मैं बता देता हूँ इसका दोस्तों। आगे में ये स्पीड कंट्रोल है। जनरली वॉकमैन में कवर खोल के या तो कवर के पीछे एक होल दिया रहता है, उसके बाद आप स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इसमें स्पीड कंट्रोल बाहर ही दिया हुआ है। ये डबल वो ये है रिकॉर्डिंग टाइम डबलर। इससे क्या होता है दोस्तों, स्पीड हाफ हो जाती है और रिकॉर्डिंग टाइम डबल हो जाती है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर आपके पास 90 मिनट का कैसेट है तो वो नॉर्मल स्पीड पे 90 मिनट ही रिकॉर्ड होगा, लेकिन अगर आप 90 मिनट के कैसेट को रिकॉर्डिंग करते वक्त इस स्विच को इधर शिफ्ट कर देते हैं तो वो 90 मिनट का कैसेट 180 मिनट तक रिकॉर्ड होगा और आप उसको उसी स्पीड पे सुन सकते हैं और रिकॉर्डिंग की क्वालिटी में कोई भी खराबी नहीं आएगी। ऊपर की तरफ स्टॉप, प्ले, रिवाइंड, फॉरवर्ड, रिकॉर्डिंग, ये बटन्स हैं। इनबिल्ट माइक मैंने आपको बताया था, इंडिकेटर है एलईडी, ये अवेलेबल लिमिट है। इसके अलावा पीछे की तरफ एक 3 वोल्ट का डीसी का जैक है लाइन से चलाने के लिए। कवर खोल के मैंने इसमें बैटरी डाल दिया। अभी इसके वॉल्यूम को चेक करते हैं, प्ले करके चेक करते हैं कि आवाज़ कैसी आती है। वॉल्यूम को लो रखता हूँ पहले। ये देखिए इंडिकेटर, ये प्ले हो रहा है कैसेट। वॉल्यूम को बढ़ाते हैं। अब ये क्या, आपको लग रहा होगा कि ये खराब है। नहीं, खराब नहीं है। ये वोल्टेज डबलर जो है ना, स्पीड डबलर, ये शिफ्ट हो गया है। इसको मैंने इधर किया तो नॉर्मल स्पीड में चल रहा है ये। इसके अलावा आप अपनी टेस्ट के हिसाब से इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। ये बटन बीच में अपने आप लॉक हो जाता है, तो आपको बिल्कुल प्रिसाइज एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे घुमाएंगे तो अपने आप एक जगह पे क्लिक आएगी और फिर आप उसको बंद कर सकते हैं। जैक है, काफ़ी नीट पीस है ये। अंदर सीरियल नंबर आप देख सकते हैं, यहाँ सीरियल नंबर लिखा रहता है किसी भी जेन्युइन प्रोडक्ट पे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। ऐसे वीडियोस को और देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। और अगर आपको इस वॉकमैन को अपने पास मंगवाना है, जो मॉडल नंबर मैं भूल गया था बोलना, इसका मॉडल नंबर है TCM 200। तो अगर आपको इस सोनी के वॉकमैन को मंगवाना है तो आप डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करके मंगवा सकते हैं अपने घर पे घर बैठे हुए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।